करीब 103 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन के बावजूद अभी भी देश में कोरोना का खात्मा नहीं हो सका है। ऐसे में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट AY.4.2 के संक्रमण ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। AY.4.2 को कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। परेशानी इस बात की भी है कि अभी त्योहारों के दौरान लोग कोरोना प्रोटोकॉल की भी अनदेखी कर रहे हैं। लोगों की ये लापरवाही एक बार फिर से देश में कोरोना की तबाही को निमंत्रण दे सकती है। रिपोर्ट देखिए। देश पर फिर मंडराया कोरोना का खतरा। नए वेरिएंट के दस्तक से मेडिकल फील्ड में खलबली। AY.4.2 वेरिएंट बन सकता है कोरोना की तीसरी लहर की वजह। भारत पर एक बार फिर मंडराने लगा है कोरोना का खतरा। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कहर के बाद अब AY.4.2 वेरिएंट ने देश में पैर पसारने की शुरुआत कर दी है। दूसरी लहर के दौरान डेल्टा वेरिएंट ने भारत में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली थी। ऐसे में डेल्टा के नए वेरिएंट को लेकर मेडिकल फील्ड में खलबली मची हुई है। कोरोना का यह नया वेरिएंट ब्रिटेन और रूस समेत कई यूरोपीय देशों में अपने पैर पसार चुका है। अमेरिका में भी इसके कई मरीज मिले हैं। ऐसे में भारत में इस नए वेरिएंट की दस्तक ने खतरे की घंटी बजा दी है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में AY.4.2 वेरिएंट का संक्रमण पहुंच चुका है। MP में इस वेरिएंट के 7 मरीज मिले हैं। कर्नाटक में अभी तक 7 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी AY.4.2 वेरिएंट के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 1% मरीज इस वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। जानकारों का कहना है कि कोरोना का यह नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 15% ज्यादा संक्रामक है। ऐसे में ये वेरिएंट भारत में एक बार फिर कहर बरपा सकता है। ऐसा कहने की एक बड़ी वजह देश में कोरोना के खतरे के बावजूद बढ़ती जा रही बड़ी लापरवाही भी है। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए। ये तस्वीरें दुर्गा पूजा के समय की हैं। इस भीड़ में फेस मास्क तो काफी लोगों ने लगा रखा था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती रही। इसकी वजह से कोलकाता में कोरोना के केस में बढ़ोतरी भी हुई। पूजा का टाइम पे ये जो पर्टिकुलरली हम लोग जो देखे हैं, आदमी लोग क्या हो रहा है, पूजा का टाइम पे निकले हैं, लेकिन इन लोग का किसी का पास मास्क नहीं है। दे आर सोशल योर गैदरिंग और मे बी सेल्फ डिस्टेंसिंग, वो तो कोई दूर का बात है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच भी दिखा रहा है। इसीलिए हम लोग अभी जो देख रहा है सिनारियो जो हो रहा है, थोड़ा सा केस बढ़ रहा है अभी। त्यौहार के मौसम में बाजारों में भी काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही है और इन बाजारों में भी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ रही हैं। इसी तरह दिल्ली रेलवे स्टेशन की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, बड़ी संख्या में लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया है। हाँ, न्यूज़ नेशन का कैमरा देखते ही कई लोग मास्क लगाने लगे। फेस मास्क नहीं लगाने की वजह पूछने पर भी लोग बहाने बनाते नजर आए। मास्क क्यों नहीं लगा रहे? दरअसल मैं मेरे को रास्ते में आ रहा था ना, तो गिर गया जेब से। अच्छा। गिर गया है। मास्क गिर गया। हाँ। लोगों की ऐसी लापरवाही कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को और भी बढ़ा सकती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार बार बार लोगों से सतर्क रहने और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर रही है। सतर्क रहना है, ये न्यू टाइप का पैंडेमिक है, उसके लिए कोई आगाही करना ये मुश्किल है। हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, यही हमारे लिए। भारत में पहले भी लोगों की लापरवाही की वजह से ही कोरोना ने तबाही मचाई थी और अब एक बार फिर लोग कोरोना के खतरे को लेकर लापरवाह नजर आने लगे हैं। ऐसे में न्यूज नेशन की आप सभी से अपील है कि कृपया कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें और दूसरे से भी ऐसा करने की अपील करें, ताकि देश कोरोना के कहर से बच सके। कोलकाता से तापस सेन गुप्ता के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली।